नमस्कार, बागमती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सहनी, आज़ाद गांधी। आज का खबर ये है कि मुजफ्फरपुर में जो नारी बचाओ यात्रा यहां से कर रहे थे दूसरे चरण में श्री पप्पू यादव, उनके खिलाफ जो लोग आंदोलन में थे, कई संगठन थे, उसमें गरीब जन क्रांति पार्टी प्रमुख है। मैं उनके नेता से बात करना चाहूँगा, विकास कृष्ण जी से। जी बताइए, क्यों विरोध कर रहे थे आप लोग? हम लोग आज विरोध कर रहे हैं कि जो ये नारी सम्मान यात्रा निकाला है पप्पू यादव, और एक महिला है यहाँ आईपीएस है, जो एसएसपी है हरप्रीत कौर, क्या वो महिला नहीं है? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? क्या उनका सम्मान करना पप्पू यादव जी का कर्तव्य नहीं है? किन लोगों की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई है, हमारे साथ लगभग 10 कार्यकर्ता हैं, उसमें हम स्वयं हैं, हमारे साथ नीरज चौधरी जी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के, आलोक जी हैं, अभिषेक जी हैं, रोशन जी हैं, उसके बाद रंजीत झा जी हैं। जी तो फिर रिलीज कैसे कर दिया गया? रिलीज बस मतलब पप्पू यादव का यात्रा समाप्त हो गया है और चला गया है मुजफ्फरपुर से, तब हम लोगों को छोड़ा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब जनशक्ति पार्टी के बारे में मैं लोगों को बता दूं, ये पार्टी आरक्षण का विरोध करती है। इसके नेता नीरज चौधरी हैं, जो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा के उम्मीदवार हैं। ये गरीबों के हक के लिए कभी भी खड़ा हो जाते हैं, लड़ जाते हैं। एक बार प्रशांत हॉस्पिटल में आम आदमी को लूटा जा रहा था तो इन्होंने लड़ा। एक बार CMS जो कैश मैनेजमेंट कंपनी है उससे लड़ करके, जिसकी सैलरी 10,000 थी उसका 15,000 करवा दिए। ये इनका पहचान रहा है और हमेशा आम लोगों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। इसके लिए मैंने नीरज कुमार को बधाई भी दिया है।